पॉइंट पर फ्रेंड्स, आज हम जीएसटी के बारे में बात करेंगे। जीएसटी क्या है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी क्या है, जीएसटी 1, जीएसटी 2 ए, जीएसटी 3 बी, जीएसटी 4 क्या है और इसमें क्या क्या डिटेल्स हमको देनी होती हैं, और जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, हम इस सब के बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जीएसटी के मीनिंग से। जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया में 1 जुलाई 2017 से। पहले अपन ये समझते हैं कि बिफोर जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड इंडिया में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल थे, लाइक वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स। ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो इंडियन गवर्नमेंट अलग अलग तरह के बिजनेसमैन से चार्ज करती थी। उसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया। जीएसटी आने के बाद ये सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस मर्ज कर दिए गए इनटू वन सिंगल टैक्स, दैट इज जीएसटी। इसीलिए जीएसटी के लिए हम एक और चीज़ बोलते हैं, वन नेशन वन टैक्स। लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। जीएसटी इम्प्लीमेंट होने से पहले अगर कोई बिजनेसमैन एक ट्रेडिंग का बिजनेस करता था तो उसको गुड्स और गुड्स की पर सेल और परचेज या गुड्स की ट्रेडिंग पर वैट या सीएसटी इंडियन गवर्नमेंट को पे करना होता था, और अगर कोई बिजनेसमैन सर्विसेज प्रोवाइड करता था तो उसको गवर्नमेंट को सर्विस टैक्स पे करना होता था। लेकिन जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के बाद सिनारियो चेंज हो गया। अब एक बिजनेसमैन जो कि ट्रेडिंग का बिजनेस करता है उसको भी जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को, और अगर एक सर्विस प्रोवाइडर है तो उसको भी गवर्नमेंट को जीएसटी ही पे करना है। कोई भी बिजनेसमैन अपने पॉकेट से ये पेमेंट नहीं करता है, सारे बिजनेसमैन ये टैक्सेस कस्टमर से रिकवर करते हैं या कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करके वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब हम एक और चीज़ समझते हैं कि आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी में क्या डिफरेंस है। सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी स्टैंड्स फॉर स्टेट जीएसटी एंड आईजीएसटी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी। यहाँ हम ये समझेंगे कि अगर कोई बिजनेसमैन अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल करता है विद इन अ स्टेट, दैट इज इंट्रा स्टेट, तो उसको कौन सा टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। रिमेंबर वन थिंग, सीजीएसटी और एसजीएसटी आर ऑलवेज पेड टुगेदर। सीजीएसटी और एसजीएसटी एक बिजनेस हमेशा एक साथ पे करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ट्रेडर कोई ऐसा गुड सेल कर रहा है जिसका रेट इज 18%, दैट मीन्स अगर 100 रुपये का गुड है वो, तो उस पर टैक्स कितना लग रहा है, 18%। ये 18% डिवाइड हो जाएगा इंटू टू पार्ट, 9% विल बी चार्ज एज सीजीएसटी एंड 9% विल बी चार्ज एज एसजीएसटी। तो जब भी कोई बिजनेसमैन गुड्स और सर्विसेज विद इन अ स्टेट सेल और परचेज करता है तो उसको गवर्नमेंट को सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना है। लेकिन अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो गुड्स एंड सर्विसेज का सेल परचेज करता है आउट ऑफ द स्टेट, दैट इज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, दैट इज इंटर स्टेट बिजनेस करता है वो, या इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांजैक्ट करता है, तो उसको जो टैक्स पे करना होगा दैट विल बी आईजीएसटी। ये तो हमने समझ लिया सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का डिफरेंस। अब एक और चीज समझ लेते हैं, जीएसटी के कौन कौन से रेट्स एप्लीकेबल हैं। जीएसटी रेट्स को 5 डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया गया। फर्स्ट कैटेगरी निल, सेकेंड 5%, थर्ड 12%, फोर्थ 18% एंड 28%, लास्ट इज 28%। इसका मतलब, इससे अपन एक और चीज समझ गए, कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज होंगे जो निल कैटेगरी में आते हैं, जिन पर कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। कुछ दूसरे कैटेगरी के गुड्स एंड सर्विसेज होंगे जिन पर 5% जीएसटी लगेगा, जिसमें 2.5% जाएगा सीजीएसटी एंड 2.5% जाएगा एसजीएसटी। थर्ड कैटेगरी होगी जिसमें 12% जीएसटी चार्ज होगा गुड्स एंड सर्विसेज पे, 6% विल गो टू सीजीएसटी एंड 6% विल गो टू एसजीएसटी। फिर फोर्थ कैटेगरी जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज पर 18% टैक्स चार्ज किया जाएगा,
9% for CGST and 9% for SGST. Last category is 28% tax would be charged on goods and services, और इसमें 14% for CGST and 14% will go to SGST. तो ये हमने अलग अलग टैक्स रेट्स, GST के टैक्स रेट्स भी समझ लिए. अब हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली हु नीड्स टू रजिस्टर फॉर दी जीएसटी, कौन ऐसे कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसको जीएसटी के लिए रजिस्टर करवाना पड़ेगा. क्या सबको जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? नहीं, ओनली बिजनेसमैन, चाहे वो ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, या फिर वो सर्विस प्रोवाइडर्स हो, हर तरीके के बिजनेसमैन को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जीएसटी के लिए. और उसके अलावा जितने भी प्रोफेशनल्स हैं लाइक सीए, इन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा फॉर जीएसटी. यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की एक और कंडीशन है, ओनली दोज बिजनेसमैन नीड टू रजिस्टर फॉर द जीएसटी हुज एनुअल टर्नओवर इज मोर देन 20 लाख. दैट मीन्स वो सारे बिजनेसमैन जिनका एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है, सिर्फ उन्हीं बिजनेसमैन को जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. 20 लाख से कम टर्नओवर के लिए उनको जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा. यहाँ हम एक और चीज़ समझेंगे, जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है. पहली पॉसिबिलिटी कि आप एक नई कंपनी को रजिस्टर करवा रहे हैं या एक नए बिजनेसमैन हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी कि आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन हैं या एक एग्जिस्टिंग कंपनी है. अगर आप एक नई कंपनी है या एक नए बिजनेसमैन हैं और आपका आपको समझ में आ रहा है कि आपका स्टार्टिंग से ही एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा का है, तो आपके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है. अब सेकंड कंडीशन, अगर आप एक एग्जिस्टिंग कंपनी है या एक एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है, तो ऑब्वियसली आप किसी ना किसी टैक्स डिपार्टमेंट से पहले से रजिस्टर्ड होंगे. मींस या तो वैट से या सीएसटी से या सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट से या एंटरटेनमेंट टैक्स डिपार्टमेंट से, तो ऑलरेडी आप किसी ना किसी टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड होंगे. तो इस केस में आपको GSTN यानी कि GST नेटवर्क से ऑटोमेटिकली GST नंबर अलॉट हो चुका होगा या इजीली हो जाएगा. अब यहाँ हमें ये समझना है कि जब आप GST के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ आपको एक और ऑप्शन दिया जाता है कि आप रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं या आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर करवाना चाहते हैं. इसका मतलब आपको ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं. आप चाहें तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन रेगुलर स्कीम में भी करवा सकते हैं, आप चाहें तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कॉम्पोजिशन स्कीम में भी करवा सकते हैं. अब यहाँ हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर स्कीम और कॉम्पोजिशन स्कीम में डिफरेंस क्या क्या है. रेगुलर स्कीम में आप गुड्स और सर्विसेज दोनों में ऑपरेट कर सकते हैं. मतलब जितने भी ऐसे बिजनेसमैन हैं जो या तो गुड्स सेल परचेज करते हैं या वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो सारे बिजनेस रेगुलर स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं. लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम सिर्फ वही बिजनेसमैन ऑप्ट कर सकते हैं जो गुड्स की ट्रेडिंग करते हैं, जो गुड्स सेल और परचेज करते हैं. सर्विस प्रोवाइडर्स को कॉम्पोजिशन स्कीम लेना परमिटेड नहीं है, अलाउड नहीं है. ये तो हुआ फर्स्ट डिफरेंस. सेकंड, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम का है, एनुअल टर्नओवर की बात कर रहे हैं हम, अगर आपका एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तभी आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको रेगुलर स्कीम में ही अप्लाई करना पड़ेगा. थर्ड, अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम लेते हैं तो आप इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकते. दैट मीन्स यू हैव टू परचेज एंड सेल विद इन दी स्टेट. आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते. लेकिन अगर आपने रेगुलर स्कीम के लिए ऑप्ट कर रखा है तो आप फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट भी ट्रेडिंग
कर सकते हैं, आपको परमिटेड है। तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन दी रेगुलर स्कीम एंड दी कॉम्पोजिशन स्कीम। आई होप यू हैव लाइक दी वीडियो, इट वॉज अ वेरी स्मॉल वीडियो एंड आई विल बी वेरी सून कमिंग विद अनदर वीडियोज ऑन GST। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल संकल्प करियर पॉइंट को, और सबसे पहले वीडियो लेने के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।